भाई R15 एंड इंटरसेप्टर। तो भाई फाइनली है ना बाइक हमारी तैयार हो चुकी है और अभी हम निकलने वाले हैं लद्दाख। हाँ जी भाजी, लद्दाख जाना सीधा? बिल्कुल। लो भाई, हमारा फाइनली डिसाइड हो गया प्लान कि हम जाने वाले हैं अभी लद्दाख। और लद्दाख भाई साहब जी, आपको बता दें उसके लिए पहले हम पूरी बाइक जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं बिल्कुल ही। तो पहले आपको बताते हैं कि ये वाली बाइक जो है भाई पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है लद्दाख जाने के लिए। और ट्रिप जो होगा भाई वो होगा तकरीबन 10 से 12 दिन का ट्रिप होगा, क्योंकि ये वाली बाइक को भाई मॉडिफाई करते करते सर जी कितना पैसा लग गया इसके ऊपर मॉडिफाई करते करते ओनली? जो हमारा ये साइड पे देखो ये लगा हुआ है, ये भी लगाया छोटे वाले, ये भी लगाया ना पाजी? हाँ जी भाजी, ये भी लगे जी। जैरिकन टंगवांगे पेट्रोल के दोनों पास, यानी कि जो ये वाले है ये सब दोनों की तरफ लगाए हैं। और दोनों की तरफ यहाँ पे यानी कि पेट्रोल की टैंकी होगी, ठीक है, बोतल वगैरह कैन वगैरह वो इसके ऊपर हैंग हो जाएगी, इजी हो जाएगा। और जो बैग अभी नहीं किया कम्प्लीट, बैग यहाँ पे आएगा, सीट जो सिंगल लगी हुई है डबल हो जाएगी और यहाँ पे बैग आ जाएगा, काफी अच्छा लगेगा। और एक ये लगा हुआ माउंट गोप्रो के लिए, यानी कि बैक शॉट लेने के लिए। और दूसरा भाई एक टैंक बैग लिया हमने, ये वाला लगा हुआ है गोप्रो टैंक आएगा, टैंक पैड भी है। तो भाई टैंक पैड भी ले आया पाजी। वो कितने का पड़ा सर जी? मजबूत भी और काफी अच्छा भी आपका दिखाई, क्लोज सही है वाला। ये 2200 का, 2500 रुपए का सिर्फ ये है निकल सा चार्जर से फोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि फोन चार्ज करने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आप इतने लंबे जा रहे हो। तो बाइक खड़ी है पीछे, बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है बिल्कुल ही फाइनली। सिर्फ जो बैग है उसे सिर्फ फुल करके इसको पूरा भरना पड़ेगा, बाकी अगर आप देखोगे मोबाइल माउंट, ठीक है ना, लाइटिंग। और ऑन करके आपको दिखाते हैं लाइटिंग, ये देखिए लाइटिंग भाई बड़ी ज़बरदस्त है। फ्लैशर सर ऑन नहीं किए इसके? फ्लैशर कहाँ पे कर रखे हैं? यस, ये भाई फ्लैशर इसके काफ़ी अच्छे हैं, लाइट काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। और ये माउंट लगा दिया हमने गोप्रो का ये वाला। और भाई शीशे देखोगे आप, बड़े अल्टीमेट है शीशे, जैसे 360 जैसे मर्जी घुमा लो, ठीक है। और ये वाला लोगो बड़ा जबरदस्त है, और ये वाला माउंट गोप्रो के लिए। और भाई ये लिखा हुआ रॉयल एनफील्ड का भाई सबसे ज्यादा हैवी, ठीक है, इंटरसेप्टर 650। यानी कि ये वाली बाइक भाई लद्दाख तो दबने वाली नहीं है, क्योंकि वो वाली नहीं दब सकती, तो ये वाली तो कहाँ पे दबेगी वो, जबकि 150 cc और ये वाली भाई 650 cc है। और इसकी जो साउंड है बहुत ज़्यादा शानदार है। और भाई सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि जैसे ये वाली बाइक है ना, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखोगे तो बिल्कुल भी वाइब्रेस नहीं होगी। तो पहले मैं आपको ये वाली बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यस भाजी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई भाजी, गियर क्यों नहीं स्टार्ट करो? सब तो गड़ यार भाई, ओ माय गॉड। तो ये देखो भाई, और अभी आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। भाजी कुछ लेके यहाँ पे रखने के लिए, ये लो मेरा चश्मा, देखो भाई चश्मा रखा हुआ है कितनी बड़ी। ये चश्मा यहीं का यहीं पे ही है, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली, यानी कि ये वाली बाइक बिल्कुल ही साइलेंट है 650 cc होने के बावजूद ही, बट बड़ी सेक्सी है। पर अभी चश्मा लगाते हैं तो हम भी सेक्सी लगेंगे थोड़ा सा। साउंड देखो इसकी जबरदस्त, मचा देगी धमाल। और साथ में खड़ी है कि ये वाली छोटी सी प्यारी सी हमारी R15, ठीक है, पर नाम हमने दे दिया इसका R1। तो ये भी भाई परसों ही जाके आई है, यानी कि एक दिन में 400 किलोमीटर का तय सफर किया, पर इसमें एक भी कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें बहुत ज़्यादा शानदार है ये भी। और रोड पे जब जलती है बड़ी सेक्सी रहती है ये भी। तो फाइनली अभी जब हम जाएंगे तब आपको बताते हैं कि कौन कौन जाने वाले हैं लद्दाख की तरफ। मैं तो नहीं जा रहा इसी, जिस हिसाब से ये भाई साहब हमारे प्लान बना रहे हैं ना, तो मुझे लगता है मैं नहीं जा रहा, यही जा रहा नहीं भाई। बाकी मॉर्निंग में पता लगेगा कि कौन कौन जा रहा है भाई। बाकी आपका हमने बाइक जो रेडी हुई है वो तो आपको बता दी, दिखा दी सारा कुछ, ठीक है, कैसे कैसे राइड किए, क्योंकि इस बाइक को रेडी करने में भाई हमारा कम से कम 25,000 रुपये लग गया। और जो गोप्रो उससे छोड़ के गोप्रो जो वो 40,000 रुपये के, हेलमेट भी तकरीबन 2,250 के आसपास है, बट पूरा प्रोजेक्ट जो है भाई उसमें कम से कम हमारा 60-70,000
ठीक है, इतना हमारा लग गया भाई सिर्फ लद्दाख के राइड के लिए। बाकी जो जाएंगे वहाँ पेट्रोल वगैरह खाना पीने का उसे सिर्फ छोड़ के जैसे ही अभी आएंगे ना लद्दाख से तो वो भी आपको बताएंगे कितना बजट लगा। हाँ पूरा एक्सपेंस बताएंगे कि हमारा खाने पीने का कितने पैसे लगे, पेट्रोल जिसमें जो कितने हमारा कितना खून पिया वो भी बताएंगे। तो जो हमारे खाने पीने का स्टे का जो भी होगा ग्रुप में जा रहे हैं जैसे भी होगा पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बाकी है ना जब इसको पूरा फाइनली हम रेडी करेंगे ना तो वो भी आपको दिखाएंगे शॉर्ट। तो जब हम मॉर्निंग सुबह निकलेंगे तो बाकी अब आपको उसी टाइम ही दिखाएंगे सब कुछ। हेलो 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 नहीं करेगा, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये भाई बड़ा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हेलो नहीं करेगा हैं क्या, नहीं करेगा डम 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 नो 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 नो। मिनी टी राइड क्योंकि कल निकलना सुबह तो आज प्रैक्टिस जरूरी है। हमने यहाँ पे पी है चाय और भाजी। अंकल जी की चाय बहुत ज़्यादा शानदार थी और बहुत ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा कमाल की बनाई है उन्होंने, बहुत ज़्यादा पटियाले के अंदर मैं करूँ कभी ऐसा टेस्ट मिला नहीं होगा मुझे। तो भाजी थोड़ी चाय बहुत ज़्यादा बढ़िया थी कि बाकी कोशिश करा कर जब भी हम यहाँ से जाएंगे तब इनकी चाय जरूर पी के जाएंगे। और भाई ये वाला जो रोड है राजपा रोड है और ये सामने टोल टैक्स है तो इनको काफ़ी अच्छी लगी। और भाई हमारे ये भी साथ में है, इनको बाइक काफ़ी अच्छी लगी। अंकल जी आपको बाइक कैसे लगी? बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ, कैसी लगी बाइक आपको? बहुत बढ़िया बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है। पता कौन सी है बाइक? ये रॉयल एनफील्ड का ये वाला है, 50 cc। और वो वाली बाइक पता कौन सी है? कौन सी है वो वाली? मॉन्स्टर। मॉन्स्टर नहीं है वो यामे वाले की है, R5 बाइक है वो वाली। ओके। और इसके ऊपर लिखा है स्टिकरिंग है ठीक है, और जो नाम लिखा था ना वो असल में साइड पे लिखा होता है ठीक है। बाकी ऊपर बाइक का दोनों ये वाली बाइक जा रही है अभी लद्दाख तो आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी वीडियो ठीक है सर जी। ओके और अंकल जी कौन कितने लग रही है बाइक है वाली? बढ़िया जी, चलो थैंक यू।